कुछ साल पहले मैंने भी खुद को इसी सिचुएशन में स्टक पाया था और मुझे नहीं पता था कि आखिर मैनिफेस्टेशन क्या करनी है। मेरे पास इतने सारे ड्रीम्स थे लेकिन मुझे उन ड्रीम्स को कैसे परस्यू करना है अपनी लाइफ में, उसके बारे में मुझे ज़रा भी अंदाजा नहीं था। तो आप में से बहुत से लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं, दी मैं मैनिफेस्टेशन तो करना चाहती हूँ लेकिन मुझे ये नहीं पता कि आखिर मैनिफेस्टेशन करूँ क्या। हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू सीक्रेट आस्था। आपको जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करनी है, सबसे पहले तो आप उस चीज़ से अपना फोकस हटा लो। आपको सिर्फ ज़रूरत है इस वीडियो को सुनते सुनते एक कॉपी और एक पेन की। तो शुरू हो जाओ लिखना जो जो चीज़ें मैं आपके साथ यहाँ पे इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि आपके 2024 के क्या गोल्स हैं, आपके 2024 के क्या ड्रीम्स हैं। ज़्यादा दूर फ्यूचर के बारे में ना सोचते हुए आपको सिर्फ इस साल की एनर्जी में ही खुद को रखना है। आपको सिर्फ ये महसूस करना है कि आखिर मेरे 2024 के क्या गोल्स हैं। हो सकता है आपको अपने स्पेसिफिक पर्सन से शादी करनी है, आपको अपने पेरेंट्स को एग्री करना है, आपको स्टडी करनी है, आपको ट्रांसफ़र चाहिए, आपको प्रमोशन चाहिए, आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। आप अपने उन गोल्स को सबसे पहले लिस्ट बनाएं कि आखिर आपको ओवरऑल 2024 में क्या चीज़ें चाहिए हैं। सेकेंड थिंग, आपको डेली सुबह उठते ही साथ कुछ इंटेंशन सेट करने होंगे अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए। अब इंटेंशन सेट कैसे करते हैं, आप सो के उठे हैं, आप फ्रेशन अप हो गए हैं, उसके बाद आपकी जो फर्स्ट थॉट है वो ये आनी चाहिए कि यस थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आज का पूरा दिन मैं खुश रहूँगी, आज का पूरा दिन मैं खुश रहूँगा। इस तरीके के छोटे छोटे स्टेटमेंट को अपनी लाइफ के डेली रूटीन में शामिल कर लो, क्योंकि अफर्मेशंस बोलने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। अफर्मेशंस बोलने में किसी भी प्रकार का आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता, ये एक एफर्टलेस एक्सरसाइज है। थर्ड और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप में से जितने भी लोग हैं जो लिखना पसंद करते हैं, डायरी मेंटेन करते आए हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, उनके लिए बहुत ईजी होगा। और जो लोग न्यू हैं और पहली बार सुन रहे हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि डेली अपने बारे में एटलीस्ट 5 पॉइंट लिखना स्टार्ट कर दो। आपके ऊपर कौन से कलर के कपड़े अच्छे लगते हैं ये कोई पर्सन आपको नहीं बताएगा। आपको पता होना चाहिए कि आप किन कपड़ों में अच्छे लगते हो, आपके ऊपर कौन सा कलर अच्छा लगता है, आप कितने ज़्यादा स्मार्ट हो, आप कितने ज़्यादा सुंदर हो, आपकी आवाज़ कितनी अच्छी है, आपकी पर्सनालिटी कितनी अच्छी है, आप खाना कितना अच्छा कुक करते हो। ये तमाम चीज़ें डेली 5 सेंटेंस आपको रोज़ाना उस डायरी में लिखना होगा। सो ये ऐसे बेसिक 3 सॉलिड स्टेप हैं जिनसे आपको ये भी जानने को मिल जाएगा, यूनिवर्स आपको ये भी बताएंगे कि आपका लाइफ पर्पस क्या है। लाइफ पर्पस के बारे में बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, सो डेफिनेटली एक बहुत बेहतरीन सीरीज़ में लेके आ रही हूँ जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैनिफेस्टेशन होगा, मेडिटेशन होगा, इसके सिवा उसमें कोई भी टेक्निक शेयर नहीं की जाऊँगी। तो ये तो है बात की बात, बैक टू द टॉपिक। अब आपको ये साफ क्लियर हो गया है कि अगर आप मैनिफेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो और आपको नहीं पता है कि क्या चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है, सो सबसे बेस्ट चीज़ है कि सिर्फ और सिर्फ इन 3 स्टेप्स पे अपने दिन की शुरुआत करो। सुबह उठना है, फ्रेशन अप होना है, अफर्मेशन देना है, अपने 2024 के सारे गोल्स लिखना है। आपको ये नहीं लिखना कि आप खुद को 6 साल बाद, 10 साल बाद कहाँ देखना चाहते हो, नहीं, आपको सिर्फ ये लिखना है कि आपके 2024 के क्या छोटे छोटे गोल्स हैं। आपको कार चलानी सीखनी है, आपको कार लेनी है, आपको टीचर बनना है, आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, आपको इस साल फाइनेंशियली स्टेबिलिटी चाहिए, आपको इस साल गवर्नमेंट जॉब चाहिए, एक्स वाई जेड, जस्ट स्टार्ट राइटिंग। मेरी बताई हुई इन 3 चीज़ों को अपने डेली लाइफ में यूज़ करना स्टार्ट कर दो। अगर आपने ईमानदारी से सिर्फ 1 हफ्ते भी इन 3 चीज़ों को अपनी डेली लाइफ में शामिल कर लिया तो आपको मैनिफेस्टेशन क्या करना है इसका जवाब भी मिल जाएगा, कैसे मैनिफेस्ट करना है ये भी आपको यूनिवर्स के ज़रिए खुद ब खुद बता दिया जाएगा। सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूज़फुल, सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल।